मोदी को समझना होगा कि बनारस की सभी औरतें समझ के उनसे ना खुश होकर जा रही है। इतना महंगाई, इतना सबने बोला कि हम सबको निराश कर दिए हैं मोदी। हाँ। मोदी आप अगली बार मोदी की सरकार नहीं होगी। वाराणसी, अच्छा मोदी जी के कंस्टिट्यूएंसी से आए हो आप लोग। आवास का समस्या रहा, पदाधिकारी सब कर ली ना, वो लोग के मानदेय नहीं मिलत रहा, आवास नहीं मिला था, मनरेगा का काम नहीं मिला था, ना सीवर मीवर गजापुर में नहीं बना था, कुछ समस्या तब कितना समस्या का जनता की समस्या भी वहाँ नहीं पहुँच रही तो किस लिए बुलवाए। तो यहाँ मनरेगा में काम करने वाली कितनी महिलाएं हैं, हाथ उठाओ। ये बस कहाँ की एक बना रही है। ये तेल और नमक और गेहूं चावल ये दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है ना, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो चुनाव में जीतने के लिए दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है, लेकिन 100% हम उसको एक भी वोट नहीं दे रहे। मैं बीएड सीटेट सब क्वालिफाई है, आज तक जॉब नहीं। तो ये तो कह रहे हैं बहुतों को सखी जो है उनको 4,000 रुपया महीना मिल रहा है। नहीं आता, देखो साल भर हो गए सब ड्यूटी करे के कुछ नहीं। हाँ, अब फिर एक बात ठीक से समझो, पिछले साल दिसंबर का एक साल पुराना पैसा, मई से पैसा नहीं आया, मनरेगा में मई से पैसा नहीं, 1,000 रुपया ओटी ना गैस भरा जाए। और किनको सरकार से शिकायत है वो हाथ उठाओ, सरकार से जिनको शिकायत है हाथ उठाओ, जिनको लगता है महंगाई है मुश्किल है हाथ उठाओ। ये कहाँ जा रही है बस, ये कहाँ जा रही है? वाराणसी। वाराणसी, अच्छा मोदी जी के कंस्टिट्यूएंसी से आए हो आप लोग? जी जी। अच्छा कब चले थे बनारस से? आज ही सुबह, आज सुबह 8 बजे। तो भाषण सबने सुन लिया मोदी जी का? जी सुना। तो भाषण सुना, कुछ मिला भी? क्या मिला? खाली भाषण मिला, बकवास मिला, हम लोग को क्या मिला? आगे गए भी तो योगी आगे जाने का भगा पहुँच ही नहीं पाए। जनता की समस्या भी वहाँ नहीं पहुँच रही तो किस लिए बुलवाए हैं आप लोग? हम लोग पागल हैं? जनता पहुंच ही नहीं पाई, जनता ही हम लोगों को वापस भेज दे रही, जो पुलिस से जाइए धक्का देके पुश करके भगा दे रही। हाँ, उतने दूर से आए बस। हाँ वैसे ही बिल्कुल। ये जरा इनका सुनिए, आइए अंदर आइए, अंदर आइए, थोड़ा आगे इनकी आवाज आनी चाहिए। क्या नाम है आपका? उर्मिला पटेल। उर्मिला पटेल कहाँ से आए? गजापुर। कुछ नहीं मिला, मतलब ऐसे ही? नहीं, कुछ नहीं मिला, हम लोग आगे तक गए, बोले कम से कम आगे तक तो जाने दो। क्या सोच के आप लोग आए थे? ऐसे भी मिलना तो कुछ हम लोग कम से कम अपना समस्या तो रख सकते हैं, बट कुछ भी नहीं मिला। हम लोग पागल हैं जो हम लोग को यहाँ बुलाया गया। अच्छा, अरे समस्या में बहुत समस्या, आवास का समस्या रहा, पदाधिकारी सब कर ली ना, वो लोग के मानदेय नहीं मिलत रहा, आवास नहीं मिला था, मनरेगा का काम नहीं मिला था, ना सीवर मीवर गजापुर में नहीं बना था, कुछ समस्या तब कितना समस्या का कमी लगल बा, कुल समस्या तब मजदूरन का। अब भाई 15 दिन 16 दिन मनरेगा का काम कैले भाई, एक पैसा नहीं अलबा। कौन गरीबन के काम कैले फायदा बा? मोदी योगी भलवान पोछू पारत बानी। बोलने दो इनको, ऐसे पीछे से बोलने से मत रोको, बोलने दो। मोदी योगी दिक्कत है तो बोलने दो, खुल के बोलो जो बोलना। जब पिया मैया सिया मैया तो गरीबन के रक्षा बदे आवल ना, इधर देख के बोलो। एक आवाज भी नहीं आदमी के सुनायल, कम से कम अपने की उतना बड़ा बड़ा टीवी लगल बा, मोदी जी का जनता आल बा इतना, तो आवाज सुना, आवाज भी बंद कर देले बान, बार पकावा नाल बान दिखावे। ये बताओ कि आप करो मनरेगा में काम, किया पैसा नहीं मिला? नहीं, कितने गजापुर के मजदूरों का सब, किसी का भी पैसा सही से नहीं है, सबका अटेंडेंस लगता है 50 लोग का, मजदूर महिलाएं इसमें 50 लोग का हाजिरी लग रहा है, लेकिन मजदूर महिलाएं 12 लोग काम कर रही हैं। अब ये बताओ यहाँ मनरेगा में काम करने वाली कितनी महिलाएं हैं, हाथ उठाओ। ये बस कहाँ की एक बनारस जा रही है? बनारस की बस है, ज्यादा ज्यादा गजापुर की है, गजापुर। हाँ। बनारस जिले में। हाँ। ये महिलाएं, इतनी महिलाएं आप लोग मनरेगा में काम करते हो? हाँ। थोड़ा हटो एक मिनट, तो मजदूरी करते हो आप लोग? हाँ। मनरेगा में काम करते हो और उसके बाद पैसा, कितने महिलाओं को मनरेगा में कितने दिन काम मिला एक महीने में और पैसा नहीं मिला वो बताओ जरा। 14 दिन मिला ला, वो 4-5 महीना हो गल, फिर 7 दिन खाली मिला ला, वो पैसा नहीं मिला एकदम। 14 दिन तो हमें लगा था जेठ में भल हल, 7 दिन फिर भल है, बल्कि एको पैसा मिला है। चंद्रावती देवी जैसे कह रही है 14 दिन काम किया पैसा नहीं मिला, या और लोग ऐसे हैं जिनको पैसा नहीं मिला मनरेगा? सर बहुत से हमारे गांव में ढडोरपुर में सर बहुत से राशन कार्ड भी नहीं बना है, जिसका 15 बीघा खेत है 10 बीघा उसको राशन कार्ड मिल रहा है, और जिसका 1 बीघा भी उसको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, बताइए ये कहाँ का नियम है सर?
एक एक करके सबकी आवाज जाएगी। आप बताओ, हम तो जितना जो दैया काम कैले है ना, तो दैया का हमारे शुरू से हम तक भाई एक 19-20 एक रुपया हमारा नहीं आ रहा मनरेगा का पैसा। अच्छा, ये मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है, सरकार की योजना है। हमारे कहा का मतलब है कि हमारे गांव में पहले पात्र के समान मिलना चाहिए, कुपात्र के मिलना नहीं चाहिए। हमारे गांव में 8 पात्र है, 8 पात्रों की आवास आज तक झोपड़ी से झोपड़ी रह गई, महल नहीं बनी। हमारे कहा का मतलब कि पात्रों के पहले मिल जाइए तो कुपात्रों के मिलना चाहिए। कुपात्रों का महल है तो उसके आवास मिला था, अब मरई झोपड़ी वालन के घर नहीं मिला था, ऐसे ही बरसात में गिर गल वैसे ही बैठा। ये बताओ ये मोदी जी तो प्रधान जी का पूरी कमी है, पूरी कमी हमारे प्रधान जी का। हाँ, प्रधान जी की कमी होगी, लेकिन मोदी जी तो भाषण में आज भी बोल रहे हैं कि कैसे यूपी में महिलाओं की एकदम तस्वीर बदलने लगी, सशक्त हो गई महिलाएं, पैसा मिल रहा है, स्वयं सहायता समूह में 1,000 करोड़ ट्रांसफर किया जा रहा है, सबको काम मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। लाइनिया तो फ्री में आला, तो लाइनियों का इतना बिल बढ़ा था 20-25 हजार रुपया। अच्छा, लाइन तो फ्री में रहा है, मड़ई चुहता मड़ई में हमने 24-25 दिन का हम सब एक एकदम काम मनरेगा का नहीं आया है, एकदम इतना बेरोजगार हमने है प्रजापति में, हमने के कोनो एक करके आराम से एक को धूर खेत नहीं हो, बाकी फिर भी हमने मजदूरा है कयल काम नहीं मिलत हो, मजदूर है काम भी नहीं मिल रहा है, जो काम किया मनरेगा में उसका पैसा नहीं मिला। उसका 24 दिन का पैसा बाकी है, 24 दिन का कितना हुआ आपका, आप जोड़ लीजिए 200 रुपया रोज, 4800 रुपया हुआ, 200 रुपया रोज के हिसाब से। और 24 दिन कौन महीना का, अरे ऊपर के दिसंबर का, 100 का दिसंबर आ गया, इतना तेज कोहरा रहा। कितना दिन से बाकी है, पिछले साल का? हाँ, अब फिर एक बाद ठीक से समझो, पिछले साल दिसंबर का, मतलब 1 साल पुराना पैसा। हाँ, मई से पैसा नहीं आया, नहीं आया मनरेगा में, मई से पैसा नहीं आया, नहीं फिर ऐसा। अच्छा, एक मिनट जरा सुनने दीजिए एक मिनट, आप ये बताओ, जैसे ये बोल रही है कि मनरेगा का पैसा, कौन सा गांव, कौन सा इलाका? अरे गजापुर, कोयली के बाद बनारस जिला। हाँ, आप जैसे ये बोल रही है कि मई से पैसा मनरेगा में नहीं आया, काम करने के बाद नहीं आया, नहीं आलो, हमार खुद नहीं आलो, एक बार का खाली आलो 7 दिन आया। तो मई से नहीं आया, मतलब मई को तो 7 महीने हो गए, 7 महीने से पैसे नहीं आया मनरेगा में, से पैसा नहीं आया 7 महीने का पैसा नहीं। अच्छा, किसका एक बार फिर से बोलो बेटा, बोलो। हम लोग इतने दूर से आए, जो बात हम नीचे आपसे बोले हैं वो तो फिलहाल ठीक है, लेकिन ये बात बताइए सर कि हम लोग उतने दूर से आए हैं, पीछे क्या आए थे ना, उम्मीद कुछ लेकर आए थे ना कि मोदी जी से जो है कि हम लोग मिलेंगे, कुछ अपना बात विचार रखेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जिस हाथ पैर से आए उसी हाथ पैर से हम लोग वापस जा रहे हैं। और देखिए, मोदी ने जीतने के लिए ये तेल और नमक और गेहूँ चावल ये दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है ना, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो चुनाव में जीतने के लिए दे रहा है, जीतने के लिए दे रहा है, लेकिन 100% हम उसको एक भी वोट नहीं देने देंगे। क्या नाम है आपका? सोनी राय, ढडोरपुर से। कौन इलाका? बनारस। क्यों कह रहे हो कि वोट, एक भी वोट नहीं देंगे? हम इसलिए ना कह रहे हैं कि हर चीज का महंगाई इतना करा, इस रिचार्ज के लिए 190 रुपये में लग रहा था, इसमें 240 रुपया लग रहा है। हाँ, तो आप ही बताइए सर, जो कि हम लोग गरीब लोग कैसे जिएंगे, महंगाई बहुत है, महंगाई हमारे ख्याल से बहुत हद से ज्यादा, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, इतना रोजगार दे रहे हैं, रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अरे कौन सा रोजगार मिल रहा है सर, अभी बताइए कौन सा रोजगार मिल रहा है, काम करल नहीं मिला था आदमी का, जो 100 रुपया कमाए वाला वो नहीं कर पावा था, हर काम तो छीन जाता आदमी का। कोई क्या क्या, एक दैया गजापुर गांव बनारस में जाके, गजापुर गांव में एक दैया जाके देख लेंगे, आराम से सबकी आवाज जा रही है, जाके देख लेंगे भैया आराम से। अब ये बताओ, पीछे भी बहुत महिलाएं हैं, अब ये बड़ा देखिए, मनरेगा योजना ही इसलिए नरेगा है कि ताकि एक न्यूनतम साल में उसको काम का मौका मिले, और उसके बदले 200 रुपया मनरेगा का एक दिन का है, 200 रुपया मजदूरी मिले ताकि उनका खाना खर्चा चले। लेकिन यहाँ इस बस में कितने, एक बार फिर से मैं चाहता हूँ हाथ उठाओ, कितने लोग हो जो मनरेगा में काम करते हो, मनरेगा वाला हाथ उठाइए, मनरेगा में तो इतनी 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17 महिलाएं यहाँ, आप लोग मनरेगा से नहीं हो तो 15-17 महिलाएं मनरेगा में काम करती है, गरीब महिलाएं,
और उनके लिए वो 200 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी बहुत मायने रखती है। और ये कह रहे हैं मई का पैसा नहीं मिला, जो इन्होंने कहा सब कैमरे पे, मई का कौन कौन लोग हैं जिनका अप्रैल मई का पैसा नहीं मिला है? बोलिए बोलिए। संघवा का नहीं मिला था, मतलब मई का पैसा सबका, मतलब गाँव गजापुर में सबकर 15 दिन 14 दिन 12 दिन जैसे कहले इतना मई का सबका नहीं मिला, कम से कम 25-50 लोग मई का नहीं मिला। हाँ, मई का नहीं। और उसके बाद का? उसके पहले भी नहीं हाल बात, तो का कहबे चिलेबा ना करबे। अच्छा ये बताओ तो आप लोग यहाँ आए, एक एक मिनट सुन लो, 14 दिन का आया है? अरे सात दिन का। अच्छा सुनो एक मिनट, मनरेगा के अलावा बाकी बात भी करते हैं। एक मिनट, आप सब लोग यहाँ आए प्रधानमंत्री मोदी की रैली में, एक मिनट सुन लो, आप लोग आए प्रधानमंत्री मोदी की रैली में सुनने आए, क्या सोच के आए कि यहाँ आके हमको? हाँ बहुत कुछ सोच के आए, बाकी कुछ तो नहीं मिला, पुलिस तो ढोकेल दे, पीछे चलो, चलो नहीं गर्दी हो जाएगी, चलो नीचे बाहर निकलो। लाद के ले आते हैं हजारों लाखों, ये टारगेट था कि 2-2.5 लाख महिलाएं चाहिए, हजारों बसें चाहिए, सरकार के खजाने से बसें किराए पे ली गई, सरकारी बसें गैर सरकारी बसें, हजारों बसें बसों में ऐसे, अब 1.5 लाख महिला हो, 2 लाख महिला हो, 2.5 लाख महिला हो, लाद कर अलग अलग जिलों से यहाँ लाया गया, स्कूल में ठहरे, कई जिले ऐसे हैं जो यहाँ से 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर है, सबको लाकर टिकाया और यहाँ बस में अब झेलते हुए महिलाएं लौट रही हैं। और इनकी शिकायतें आप सुन रहे हैं, महंगाई को लेकर इनकी मुश्किलें हैं, मनरेगा का पेमेंट नहीं हुआ, किसी ने कहा उनके बाकी योजनाएं सरकार की उसका भी फायदा नहीं मिला। हाँ क्या कर, हाँ बहुत गुस्से में हो, जरा उठ के बोलो, आपकी आवाज आनी चाहिए। देखिए सर, हम ये कह रहे हैं जैसे कि 200 रुपया एक दिन का मजदूरी है, ठीक है सर? और ये बड़े स्मार्ट महिला है, देखिए इनको, इनके कैमरे पे लाइए, ये देखिए, ये वीडियो भी बनाओ, कोई बात नहीं, अब देखिए ये सेल्फी मोड पर हमारा वीडियो भी बना रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ से हो आप? ढड़ोरपुर से। हाँ चलो आप बताओ, आप ये कह रहे हैं सर 200 रुपया एक दिन का मजदूरी है। हाँ। और एक दिन का मजदूरी तो 200 रुपया हो गया, 180 रुपया किलो कड़ू का तेल हो गया, तो जनता कैसे खाएगा कैसे कमाएगा बताइए। हाँ। आप। हाँ। इससे हम लोग सोचते, हम ये सोच रहे हैं कि जो महंगाई है आज के दौर में कम हो जाए, ताकि जो गरीब वाले, महंगाई बढ़ा है, कम नहीं हुआ कर, नहीं, बढ़ा है ना? बढ़ा है महंगाई। महंगाई से किसको किसको दिक्कत है, जरा ये हाथ उठाओ। महंगाई से सबको दिक्कत है, क्यों का तेल है 200 का तेल हो गया, किसको घर 2 रुपए नहीं कमाए। अब ये देखिए जैसे सबको दिक्कत है महंगाई से, अच्छा क्या क्या महंगा है जिससे दिक्कत है बताओ। ईट हो गई, सीमेंट हो गई, बालू, सड़क, हर चीज से महंगाई बढ़ी हुई है। झोपड़ी में रहना पड़ रहा है, इतना महंगाई पड़ गया कि घर नहीं बन रहा है। महंगाई में क्या क्या महंगा है जिससे दिक्कत है बताओ। सर ये तो सर गैस महंगा हो गया है, सरसों का तेल महंगा बा, गैस महंगा बा, रिफाइन तेल, क्या क्या महंगा है बताओ। सर वो तो गरीब लोग को जो सिलेंडर मिला है सर, बताइए गरीब आदमी कहाँ से भरवाएंगे सर, वही हम लोग का समस्या है। तो इससे समझिए महंगाई कितना बड़ा और कैसे मुद्दा है। और बहुत जगह ऐसा होता है जब शहरों में धनाढ्य लोगों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है महंगाई से कोई मुद्दा ही नहीं है, देश हित में सब महंगाई सही है, 200 रुपये सरसों तेल हो चाहे 250 रुपये तेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वो गरीब महिलाएं हैं जो मनरेगा से कमाती हैं और उससे उनका खर्चा चलता है, महीने में 10 दिन 8 दिन उनको जो भी मनरेगा में दिहाड़ी मिलती है और वो पैसा भी इनका बकाया है। कई महिलाएं बोल रही हैं मैं एमए बीएड सीटेट सब क्वालिफाई है, आज तक जॉब नहीं मिली, मनरेगा तक तो दूर की बात है। ये मेरा ही वीडियो बना रही, वाह। आज तक 100 रुपए तक कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ सामने आई है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम निधि पटेल है और मैं एमए बीएड हूँ, सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, यूपीटेट भी क्वालिफाई हूँ, लेकिन आज तक कोई जॉब नहीं मिली मनरेगा तक का दूर की बात। हम लोग को तो 200 रुपए मिल रहा है, हम लोग को तो वो भी नहीं मिल रहा है, समस्या जॉब की कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी जी और योगी जी के समर्थक कहते हैं सब बहुत खुश है, देश प्रदेश सब बहुत बिल्कुल खुश नहीं है सर, बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा इस बस में ये बताओ कोई है जो बहुत खुश है जिस ढंग से यूपी में काम हो रहा है, जो खुश है वो हाथ उठाओ जरा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। 1000 रुपया का गैस का दे ले बाया, पेट्रोल 104 रुपया का दे ले बाया, गरीब मेहरारू जो यहाँ कैसे खाना, एक करके गैस दे दे लन सौ के मारे के हम देखा फ्री में इतना बड़ा डंडा गरीबन के, वो तो ना
1000 रुपया बांट ली, न 1000 रुपया आटी, न गैस भरा जाई। कैसे गरीब महिला खाइया जी हैं? पहले 450 गैस था, अब 1000 हो गया, बताइए कैसे होगा? महंगाई के हिसाब से बढ़ भी तो जा रहा है। कोई यहाँ है? एक सेकंड, एक एक करके कोई ऐसा? इतनी महिलाएं हैं यहाँ पर, 5 दिन 8 दिन, 11 14 ऐसे देखे तो 46 महिलाएं, 46 महिलाएं हैं, सब बनारस जिले की हैं। और बनारस प्रधानमंत्री मोदी का जिला है, कंस्टिट्यूएंसी है, 2 बार जीत चुके हैं, वीवीआईपी जिला है, महादेव का दर्शन करने अभी गए। तो आप लोग को यहाँ इस बस में एक बार फिर पूछता हूँ कि इतनी 46 महिलाओं में सब गरीब महिलाएं हैं, मजदूर वर्ग की महिलाएं हैं, इन शिक्षित भी हैं, चलिए इनमें कोई ऐसा है जो योगी सरकार की योजनाओं से, सरकार के तरीकों से बहुत खुश हो कि सब बहुत अच्छा चल रहा, 6 दिन आ गए, राम राज्य आ गया, कोई ऐसा लगता है तो हाथ उठाओ, किसी को लगता है तो? एक भी हाथ नहीं उठा रहा। और किनको सरकार से शिकायत है वो हाथ उठाओ, सरकार से जिनको शिकायत है हाथ उठाओ, जिनको लगता है महंगाई है, मुश्किल है, हाथ उठाओ। अब देखिए, डरते हुए नहीं, खुल के हाथ उठाओ, डरो मत, अब ये डरिए मत, जो भी बोलने बोले। डरी तो का बोली, डरी तो का बोली, शिकायत नहीं बा महंगाई। लड़के इतना पढ़ाई पढ़ के अब बैठा है, आए न कोई लड़का का भर्ती लेता है, न कुछ करत है, खाली महंगाई बढ़ा रहा है। पेपर आता, पेपर भी ओके टार देते हैं। अब जरा आइए महिला, ये बुजुर्ग महिलाएं, जरा सुनिए इनको, और प्रधानमंत्री मोदी जी, पेपर और मुख्यमंत्री योगी जी, आज ही प्रयागराज से भाषण देकर आप निकले हैं, आज ही प्रयागराज से बड़ी बड़ी बातें कर निकले हैं, आज ही आप कहकर निकले हैं कि यूपी में कैसे महिला शक्ति बहुत खुशहाल है, और कैसे यूपी में महिलाओं की तकदीर बदल रही है, और इसके लिए कैसे आप रोडमैप तैयार कर रहे हैं, ऐलान करके निकले हैं, 1000 करोड़ स्वयंसेवी समूहों के अकाउंट में ट्रांसफर का ऐलान करके निकले हैं। लेकिन इस बस में 46 महिलाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी आपके लोकसभा क्षेत्र की हैं, इस बस में एक भी ऐसी महिला नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी सरकार या योगी जी आपकी सरकार की नीतियों से खुश है, कोई नहीं खुश है ना? 500 रुपया महिला मोदी जी दे दे, चाहे योगी दे दे, ओकरे आगे के दे कैसे खाई। तो आप अभी रोजगार और नौकरी क्या अभी कुछ बता रहे थे? अरे हाँ साहब, बता रहे हैं, जो लड़का पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसका भी भर्ती नहीं हुआ है, वो भी परीक्षा देने गए, परीक्षा भी नहीं हुआ है, परीक्षा टर गया, बताओ ऐसे ऐसे करेंगे तो लड़का बच्चा कैसे पढ़ पढ़ के बैठे रहे? तो क्या कहते हो मोदी जी से, बोलो आप ही के इलाके से, बनारस से, लोकसभा माँ बाप कैसे पढ़ा करके, को क्या कहोगे? मोदी जी को सुनने आए, बोलो मोदी जी को। मोदी जी बोले रहे, चाहे योगी जी रहे, कोई भी रहे, बाकी जो बाप मतारी आप लोग के माई बाबू पढ़ाए हैं ना, आए कैसे कैसे पढ़ाए हैं, अपने पेट नहीं खाए हैं, बच्चों के खाने के खिलाए हैं, पढ़ाने के पैसा जुटाए हैं, कैसे कैसे पैसा जुटाए हैं, आए आप बताइए, आप भी सोचिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? सही बात है, लेकिन ये बताओ, जैसे सरकार बोलती है, प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, योगी भी बोलते हैं कि हम घर 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 में राशन दे रहे हैं, 5-5 किलो राशन, हम शौचालय दे रहे हैं, इतनी योजनाएं दे रहे हैं, ठीक है, 5-5 किलो राशन दे, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, हाँ, ओकरे आगे 4 महीना देंगे, 6 महीना देंगे, ओकरे बाद बंद कर देंगे, आप फिर पैसा से ना राशन देंगे, आए तो आप फिर कमाएंगे तब ना पैसा लाएंगे, तब ना ऊपर से महंगाई, अब महंगाई भी है, जेकरे पास 4-6-10 लोग है वो कैसे खिलाएगा? चलिए, तो बहरहाल इस बस में एक सैंपल था। हाँ बोलिए सर, सबका तो राशन कार्ड बना है, हम लोगों के गांव में करीब कई महिला ऐसी है कि राशन कार्ड नहीं बना है, बताइए सर, एक बीसा खेत भी नहीं हम लोगों का, जिसका 10 बीघा खेत है हमारे गांव में, जो राशन कार्ड उनका 15 बीघा खेत है सर, उनका लाल कार्ड है, बताइए ये कहाँ का? मेरा नाम पूजा देवी है। किस गाँव के? खेमईपुर से हूँ मैं। तो ये पूजा देवी को भी सुन लीजिए, महंगाई से भी दिक्कत है? महंगाई तो बहुत दिक्कत है सर, ये मेरा एक बीसा खेत भी नहीं सर, मेरा राशन कार्ड भी नहीं है, 2 प्रधान बदल गए, मैं कितने बार जा जाकर रिक्वेस्ट की हूँ सर, लॉकडाउन किया सबके लिए लगा था, मेरे लिए नहीं लगा था सर, मेरे 3-3 बच्चे हैं। तो एक तरह से इसमें, इस बस में कोई ऐसी महिला नहीं मिली, तो चुनाव में क्या, एक मिनट, चुनाव में आप लोग फिर क्या करोगे बताओ, चुनाव में क्या करोगे? चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे। किसको वोट नहीं दोगे? मोदी जी को। क्यों भाई? मोदी जी का चुनाव है। हाँ नहीं देंगे। क्यों?
हम लोग नहीं देंगे वोट, हम लोग को दिक्कत है। हमारा चाहते हैं सोम मोदी योगी से मिलना चाहते हैं, हम लोग यही चाह लेकर आए थे सर। हमारे रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी पट्टी है, उसमें हम रहते हैं अपने बच्चे लेकर। किसको कौन लगता है आपके आपके लिए अच्छा काम करेगा? जो करेगा उसको वोट देंगे, नहीं काम कर रहे हैं अच्छा इसलिए हम वोट देंगे। अखिलेश सिंह के नहीं लेकिन महंगाई तो नहीं बढ़ाए अखिलेश, कुछ देहन तो नहीं लेकिन महंगाई तो नहीं बढ़ाए मोदी जी तो। महंगाई भी गरीब मरा था लेकिन अगर इधर मोदी जी दें तो सड़क पर गरीब आ जाए। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी। सुनीता देवी गजापुर। अच्छा चलिए, तो ये चुनाव में जरा बता दो, जाते जाते चुनाव है 2 महीने बाद। हेलो मैडम, वीडियो बना लिया सारा। चुनाव है 2 महीने बाद, तो क्या सोचते हो कौन कौन ऐसा है जो चुनाव में लगता है योगी जी की सरकार आनी चाहिए? यदि चुनाव में हमने सोचा था ना कि मोदी जी के इतना वोट दे दी कि मोदी जी गरीब गरीब कान के बेच दे, यही से कि यदि वोट दे 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 तो मोदी जी गरीब कान के दम 200 रुपया लीटर तेल बाप गरीब खाए बिना खुदा मर जाई है। समूह वालिन के खाता अथवा समूह वाली समूह बन गई बन, ग्राम संगठन के पदाधिकारी का मानदेय भी नहीं बनावत बन, ओकरे बाद ग्राम संगठन के में खाते में पैसा भेजत बन तो मोदी जी ब्याज लेथन, दूना दूना ब्याज देते हैं। सही बात है, स्कूल का पैसा भी नहीं आ रहा है, स्कूली का पैसा भी नहीं आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे यार? किसके पैसा नहीं आ रहा? हम लोग का लड़का बच्चों का पैसा नहीं आ रहा है, फॉर्म का है बच्चों का वो भी पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ तो 1000 करोड़ आज मोदी जी ऐसे ट्रांसफर करके गए, हजारों करोड़ दे रहे हैं वो जिनको उनको हम लोग कोई नहीं। चलिए दोबारा हमें उतरना पड़ेगा। और ये देखिए, ये महिलाएं देखिए, इन्होंने तो हमारा वीडियो भी खोल लिया, बड़ा फास्ट हुआ। मैंने क्या नाम है आपका? उर्मिला पटेल। उर्मिला पटेल जी, खटाक से इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल खोल सर। महिलाओं में महिला मेड मोदी जी बनाए हैं तो कम से कम महिला मेड बने हैं तो मजदूरों को तो कम से कम कुछ तो हक दिलवाना चाहिए। लेकिन जब मैं ब्लॉक पे गई तो ये हुआ कि आप लोग अपने काम से मतलब रखो, जो महिला मेड रखा गया तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, ज्यादा टांग मत लड़ाओ हम लोग के काम में। तो उसके लिए हम लोग कहाँ तक जाएं, कौन सब तो ऊपर वाले सब मिली भगत हैं, हम लोग सुनाए तो किसको सुनाए तो अपनी समस्या। आप बनारस में किस इलाके के हो? अराजी लाइन ब्लॉक। तो ये बताओ सबको लाद के बनारस से ले आया, उसके बाद सब आप लोग हम लोग को फोन किया गया था कि आप लोग इतने इतनी महिलाओं को लेकर आना है तो हम लोग लेकर आए। हम लोग को सुना टारगेट दिया गया था आगे कुछ लोग आप लोग को सम्मानित किया जाएगा, पर क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ सम्मानित किया जाएगा या कुछ देख कर हो सकता है। बोला गया था महिलाओं को, आप कितनी महिलाओं को लेके आए हो? सर 46 सारे लेके आई है। ये देखिए क्या नाम बताया? उर्मिला पटेल। उर्मिला पटेल जी हैं, इनको किसने कहा था कि महिलाओं को लाना है और सम्मानित किया जाएगा? सर किसने कहा था? सर राजी लाइन ब्लॉक से सूचना आई थी हम लोग को, ब्लॉक से सूचना आई थी कि सबको लाइए सम्मानित किया जाएगा। समूह के जो भी MM सर हैं वो लोग और जो कैडर ऊपर के, ये लेके आई और सब महिलाएं इसमें बुरी तरह से बौखलाई हुई नाराज होकर यहाँ से बनारस लौट रही हैं। सब नाराज होकर लौट रही है। सर हम भी चाहते हैं कि 97,000 भर्ती आए और हमारे बच्चों को भी एक अच्छा भविष्य मिले और हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिले, तो सरकार को इसके लिए पहल करनी चाहिए। वाजिब है। आप लोग खुश होके जा रहे हो उधर, तो सब नाराज होके जा रहे हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो? हम भी खुश नहीं है, नाराज है। हम लोग भी नाराज हैं। क्यों नाराज हो ये बता दो? बोला है इतना दूर से बनारस से हम लोग आए हैं, हम लोगों को धूप में है अपने छांव में, हम लोगों को मिलने भी नहीं दिए, समस्या भी नहीं बताने दिए। बोले कि आप लोग बनारस जाएंगे मोदी जी तो अपना समस्या वहाँ पे बताइए, तो बताइए हम लोग बनारस यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग पागल हैं यहाँ पे आए हैं अपना समस्या बताने के लिए आए हैं ना? क्या कह के ले आया आपको यहाँ? यहाँ पे आया कि मोदी जी का रैली है, चलिए यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, सबको सम्मान सहित मिलेगा। यहाँ पे क्या सम्मान, क्या कुछ भी नहीं मिला हम सबको। सब लोग नाराज हो गए, हम लोग सब सामान होकर जा रहे हैं, इतना महंगाई बढ़ा रहे हैं अब की, तो हम बोल रहे ये अब की बार कोई सरकार भी मोदी सरकार अब भी नहीं हो, मोदी सरकार नहीं नहीं है, हम लोग नहीं दे क्यों नहीं है कि हम लोग को नाराज करते हैं क्योंकि आए अपने इतना महंगाई है, आदमी लोग बैठे हैं मेरा लोग कमाए, बताइए हम लोग भड़ुआ का काम कर रहे हैं मोदी जी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, और आप भी ऐसे ही नाराज हो? हाँ नाराज भी नाराज है, हम सब लोग नाराज है। हम लोग राशन बांटते हैं, बोले कि समूह की महिलाएं राशन बांटती हैं, हम लोग को कुछ मानदेय नहीं मिला, अगर हम लोग की मतलब आदमी अगर साथ ना दे 50 काम का मानदेय नहीं मिलता। अभी तक हम लोग आंगनबाड़ी का राशन दे दिए कम से कम 10 बार, हम लोग को मानदेय नहीं आया है।
महीना हो जाए हम लोग काम करते हैं, रियाज करते, वो भी पैसा नहीं आए। अब ये सुन लीजिए जरा, कैमरा पीछे करिए, आज हम लोग पीछे जाइए, ये जो इंजन वाला जो हमारे यहाँ की जो धूप में बैठा कर अपने छांव में मजे करके चले गए, हम लोग को बुलाए के सम्मान कुछ नहीं मिला। अब ये इनका मानदेय मानदेय भी इनका बाकी है, मानदेय किस चीज का बाकी है? समूह जो राशन वितरण करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी पैसा बाकी है। आंगनबाड़ी केंद्र के समूह का राशन वितरण का पैसा बाकी है। द्वारा जो भी काम करते हैं सबका मानदेय रुका हुआ है। कितने दिन को बनाया मानदेय? समय धीरे धीरे समय की आठ सात आठ महीना हो गया, एक साल हो गया। धीरे धीरे सात आठ महीने से मानदेय कितना, 4,000 मिलता है महीने में, कितना मिलता है? हम लोग तो, हम तो समूह सखी हैं, हम लोग 1200 रुपया महीना मिलता है। अच्छा, समूह सखी से 1200 मिलता है। बताइए कि हम 19 और 20 समूह देखते हैं, दिन एक समूह में दिन पूरा लग जाता है। और बताइए, हम लोग 1200 रुपया हमारे कुछ भी नहीं मिलता है। 1200 कितने महीने से नहीं मिला? समय पाँच महीना हो गया। पाँच महीने से समूह सखी को जो 1200 मिलता है वो नहीं मिला। और आगे देखिए, जैसे बस जा रही है महिला महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, तो इनकी बात अगर सुनेंगे इस बस में महिलाओं की, तो लगेगा महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात ही है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण है बात है, महिला सशक्तिकरण कोई कुछ नहीं है। क्योंकि इनका इनका मानदेय 5 से 6 महीने से नहीं मिला जो 1200 है। पीछे मनरेगा की में काम करने वाली महिला मजदूर है, उनका कहना है कि उनको कई महीने से पैसा नहीं मिला। इनकी शिकायतें हैं, यहाँ उम्मीद से आए थे सामने प्रधानमंत्री मोदी होंगे, इन्हें कहा गया सम्मानित किया जाएगा, और ये सब नाराज होकर बनारस लौट रही है। खास बात ये जो है ना भैया, कि हमारे यहाँ जो बड़े लोग हैं वो आवास ले रहे हैं, हम लोग जो गरीब है झोपड़ी में रहते हैं वो भी हम लोग को नहीं मिलता। प्रधान सेक्रेटरी एडीओ बीडीओ सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खा जा रहे हैं, आवास में नाम जा रहा है, तो वहाँ पे प्रधान सेक्रेटरी मिलकर काट दे रहे हैं कि इनको सबको मत दीजिए। वहाँ पे समझ की अथवा क्या कहते हैं कि नेताबाजी हो रही है, गरीबों को नहीं मिल रहा है जो उनके पार्टी के, उन सबको दे दे रहे हैं। गरीब गरीब मोदी मोदी जी तो बहुत जो उनको लाभ है तब ना बोलते हैं। अरे मोदी इतना बोलते हैं सब गरीबों के लिए, कर बोलते हैं वो दिखावा बोलते हैं कुछ दिखावा करते हैं कि हम गरीबों को देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। इस बार चुनाव में जो होना है नहीं देंगे, नहीं देंगे, उसका हराएंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे, मोदी जी को वोट नहीं देंगे, योगी मुख्यमंत्री बनने वाले हम लोग नहीं हराएंगे, दोनों लोगों को वोट नहीं देंगे। काम की है, सफाई करती है, उनका भी मानदेय नहीं मिला है। चलिए ये बात लंबी हो सकती है, और मैं अभी प्रयागराज से संगम के किनारे से चला हूँ, और इतनी नाराज ये महिलाएं हैं कि सबसे बात करते करते चलूँ तो बनारस पहुँच जाऊँगा, लेकिन इनका गुस्सा खत्म नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री जी, सुनिए 1100 रुपया 1200 घास हो गया, कैसे हम लोग खाना बनाएंगे? इससे बढ़िया तो हम लोग एक गाय का गोबर से हम लोग ऊपरी पात के गाय बना, फ्री में गैस दे रहे हैं, सुविधा दे रहे। बताइए 1100 रुपया गैस हो गया, गरीब लोग कहाँ से गैस भरवाएंगी? अपने घर में चूल्हा जलाएंगी या कि गैस भरवाएंगी? क्या कर अपने घर का राशन चलाएंगी? बताइए। और वो अमीर लोग और मोदी योगी के भक्त लोग, अंधभक्त लोग जो कहते हैं महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोग मुझे कल सुल्तानपुर में मिले, परसों रायबरेली में मिले, लेकिन इस बस में वो सारी महिलाएं हैं जो कामगार महिलाएं हैं, जिनके लिए 1200 रुपये बहुत महीने के मायने रखते हैं, वो मानदेय नहीं मिला, मनरेगा का पैसा नहीं मिला, और उनके लिए गैस और ये महंगाई बहुत मायने रखती है। और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस से, खास तौर से प्रयागराज मोदी जी को सुनने आए थे उम्मीद के साथ। और नाउम्मीद होके लौट रहे हैं आप लोग? नाउम्मीद है, राशन बांट रहे हैं जो समूह को मिला है कि समूह की महिलाएं बनाएंगी। रुकना होगा मुझे, जरा उतरना है। ड्राइवर साहब बहुत शुक्रिया, और इस वीडियो को दोस्तों खत्म करता हूँ, किसी और बस में चलूंगा जरा समझने के लिए कि जो महिलाएं यहाँ लाई गई, जो सरकार के खर्चे पर लाई गई, और ये बस का पीछे लंबा काफिला है, देखिए जाते जाते भी कुछ बोल मोदी को ये समझना होगा कि मोदी को समझना होगा कि बनारस की सभी औरतें समझ के उनसे नाखुश होकर जा रही है, इतना महंगाई इतना समझ बोला कि हम सबको निराश कर दिए हैं मोदी। हाँ। मोदी आप अगली बार मोदी की सरकार नहीं होगी। देखिए इतना गुस्सा था कि बातचीत करके मैं उतरा बस से, उसके बाद भी वो महिलाएं अपनी बात कहती रहें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, और किसी और बस में चलूँगा। और महिलाओं की नाराज़गी समझिए, वो गुलाबी तस्वीर, वो महिलाओं का जमावड़ा, वो ज़बरदस्त भीड़, और वो 2500 कैमरे से
टॉप एंगल कैमरे से, ड्रोन से, जिमी जिप से दिखाई गई तस्वीरें और चैनलों पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ भीड़ का वो जो एक ज़बरदस्त बहुत आकर्षण वाली तस्वीरें और इन महिलाओं का गुस्सा, दोनों में फ़र्क देखिए तो फासला 36 का दिखेगा, एक इधर एक उधर। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, चलते हैं किसी और बस की तरफ। नमस्कार।